हे वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? आज के वीडियो में बात करेंगे फायरवॉल के बारे में और जानेंगे आज के वीडियो में कि फायरवॉल होता क्या है। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। तो फायरवॉल होता क्या है? फायरवॉल गाइस एक सॉफ्टवेयर है और एक हार्डवेयर डिवाइस होती है। अब इससे ना, जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम जो कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के साथ में, तो जो कुछ भी हम इंटरनेट में कर रहे होते हैं, चाहे हम किसी वेबसाइट्स में जाएं, चाहे किसी चीज़ को इंस्टॉल कर रहे हों, तो वहाँ से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम के अंदर में आ रही है, ऐसे में उसको फ़िल्टर करना, यही काम होता है फायरवॉल का। फ़िल्टर करने का मतलब, यहाँ पर अगर कोई चीज़ ऐसी आ रही है जो हमारे सिस्टम को हार्म पहुँचा सकती है, उस चीज़ को रोक देना या फिर रिजेक्ट कर देना, उसको अंदर ना आने देना, यही काम होता है फायरवॉल का। अब यहाँ पे गाइस, ये जो फायरवॉल है ना, ये दोनों ही जगह इंस्टॉल हो सकती है। दोनों ही जगह कहने का मतलब, या तो वो आपकी प्राइवेट नेटवर्क होगी जहाँ पे आप अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर रहे हो, या फिर आपकी अपनी प्राइवेट राउटर है उससे आप कनेक्ट कर रहे हो, या फिर ये एक पब्लिक नेटवर्क में भी हो सकती है। कभी आप रेलवे स्टेशन पे गए या फिर किसी मॉल में गए, वहाँ पे जो आपको इंटरनेट कनेक्शन मिला, वहाँ पे भी फायरवॉल को यूज़ किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, हम आगे बात करेंगे। तो गाइस, अभी हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर फायरवॉल के बारे में और हार्डवेयर फायरवॉल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो जो सॉफ्टवेयर है ना फायरवॉल का, वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आप सभी के कंप्यूटर्स में। आपको क्या करना है, सीधा जाइए सेटिंग्स में या फिर सर्च कीजिए फायरवॉल या फिर विंडोज डिफेंडर और उसको ऑन कर दीजिए। उसके बाद से आपके कंप्यूटर्स में सभी चीज़ें फिल्टर होने लग जाएंगी। जब भी आप किसी इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और कोई भी अगर हार्म चीज़ आपके कंप्यूटर्स में एक्सेस होने की कोशिश करे, ऐसे में इसको वो फिल्टर कर देता है या फिर रोक देता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं हार्डवेयर फायरवॉल की। तो ये एक एक्चुअली में हार्डवेयर डिवाइस है जिसको बोलते हैं पैकेट फिल्टरिंग। अब इसको ना आपके राउटर में यूज़ किया जाता है, आपके राउटर में इसको फिट कर दिया जाता है और ये जो राउटर में फिट की गई है पैकेट फिल्टरिंग, ये फिल्टर करती है जो भी आप वेबसाइट्स पे गए उसके हेडर्स को और उसके एड्रेस को, कि इसके डेस्टिनेशन एड्रेस आखिर है कौन से, सही है या नहीं है, और उस तरीके से ये आपको बचा पाती है कि भैया ये जो वेब एड्रेस में आप एक्सेस कर रहे हो ये सही है या नहीं है। तो अब गाइस, हम फाइनली बात करेंगे होस्ट बेस्ड फायरवॉल और नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल की। अब ये दोनों चीज़ें होती क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं होस्ट बेस्ड फायरवॉल की। अब यहाँ पे जो है ना, सॉफ्टवेयर फायरवॉल को यूज़ किया जाता है। जैसे कि इंडिविजुअल एक कंप्यूटर, मान लो कि मेरा कंप्यूटर है या फिर आपका कंप्यूटर है, वहाँ पे आपने जा करके विंडोज़ डिफेंडर या फिर फायरवॉल जो ऑप्शन होता है उसको ऑन कर दिया है और आपकी जो कंप्यूटर है वो सिक्योरिटी होने लगी है इंटरनेट कनेक्शन से, जो भी चीज़ें वो फिल्टर होने लग जाती है, इसको बोलते हैं होस्ट बेस्ड फायरवॉल। और एक जो आती है नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल। अब इसमें क्या है ना, कि जैसे कि कोई कंप्यूटर क्लास हो या फिर कोई कैफ़े हो जहाँ पर राउटर एक होता है, उसी राउटर से जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं सभी कनेक्टेड होते हैं, सभी इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसे में सभी पर्सनल कंप्यूटर्स में फायरवॉल इंस्टॉल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक राउटर में जाकर के वो पैकेट फिल्टरिंग को इंस्टॉल कर दिया जाता है और वो जो पैकेट फिल्टरिंग है फिल्टर कर देती है भाई कि क्या जो वेबसाइट्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो वो हार्मफुल है और आपके सिस्टम्स में जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे 5, 6, 8, 10, उन सभी को जाके वो प्रोटेक्ट कर लेता है। तो ये है गाइस पूरी बातें फायरवॉल के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं गाइस आप सभी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।